ऐसे मेरे वरिष्ठ गुरु भाई हैं और वरिष्ठ वैष्णव जन यहाँ पे हैं। मैं उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मुझे कृपया करके वो आशीर्वाद करें कि आज के इस कथा में, व्याख्यान में, जो भी मैं कुछ बोलूं वो लोगों के हृदयों में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सके। वैसे तो इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, सबका सब श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से ही अध्ययन किया हुआ है सारे टॉपिक्स और सारे विषय, तो इसमें अपना कुछ नहीं है। जो भी त्रुटि है वो मेरी अपनी त्रुटि है कि मैं उन विषयों को कितना समझ पाया अपनी सीमित बुद्धि से, और इसी वो जो भी त्रुटि होगी वो मेरी अपनी त्रुटि होगी। और प्रभुपाद जी के द्वारा जो दिया गया व्याख्यान है भगवद गीता में, वो पूरी तरह से पूर्ण है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका अध्ययन करता है तो भगवान की कृपा उसे जरूर प्राप्त होती है। तो हम लोग इस विषय को अब शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले लोग भगवान का ध्यान करेंगे और मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामी नाम। सो आज का जो विषय है प्रभु जी एवं माता जी, ये मन को कैसे वश में करें कृष्ण भावनामृत में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मन को वश में रखना। अगर आप भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो उसमें जितने भी श्लोक हैं, 700 के आसपास जो भी श्लोक हैं, उसमें सैकड़ों श्लोक आपको मिलेंगे जिसमें भगवान ने इंद्रिय निग्रह की बात की है, मन को वश में करने की बात की है। वो कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत जरूरी है, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से विरक्ति करना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति या भक्त इसमें सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक अपने मन को वश में करने की कोशिश में वो जीत नहीं जाता है, तब तक
उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हमको इस सब्जेक्ट्स पे, इस विषय पे हमको पूरी तरह से इसको समझना चाहिए कि कैसे हम मन को वश में कर सकते हैं। तो इसको शुरुआत करने से पहले ही हम लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर मन है क्या, व्हाट इज माइंड, और क्या ये वश में हो सकता है, उसकी उसकी दशा क्या है, कहाँ वो रहता है और कितना वो बलवान है, और क्या विधि से हम उसको अपने वश में कर सकते हैं, और अगर उसे वश में नहीं किया गया तो उसका क्या परिणाम होगा, और हम क्या उसमें लूज करेंगे, क्या हम उसका अर्थ क्या होगा, ये सारी चीजों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं मन का, मन को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि भाई मन है क्या। तो मन के विषय में शास्त्रों में बहुत सारी मतलब उनको उसकी डेफिनेशंस उनका दिया गया है। तो उसमें सबसे जो अच्छा मुझे लगा कि मन है क्या, उसके लिए प्रभुपाद जी ने छठे अध्याय के 34वें श्लोक में 6.34 उसमें मन का वर्णन किया है। कठ उपनिषद 1.3.34 श्लोकों में कहा गया है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव च बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रग्रहम एव च। कि जो व्यक्ति है, जो स्वयं जो व्यक्ति है आत्मानम, वो क्या है, वो रथी है, वो रथ के ऊपर सवार बैठा हुआ है, और जो ये शरीर है वो क्या है, वो रथ है। शरीरम रथम एव च, जो हमारा भौतिक शरीर जो दिखता है बाहर से वो पूरा का पूरा रथ है। और बुद्धिम तु सारथिम विधि, और जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो क्या है, सारथी है, जिसने रथ को जो चला रहा है बेसिकली, जिसके हाथ में सारे घोड़ों की रस्सियां उसके पास है। और विधि मनः प्रग्रहम एव च, और जो जो मन है वो क्या है, जो इन इंद्रियों को लगाम लगाए हुए हैं, जिससे इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, वो मन है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है, तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख को भोगता है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। ये कठोपनिषद में ये दिया गया है। तो हमको ये समझना होगा इस ये मन क्या है। मन हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला तत्व है, और इसको भगवान ने 7वें अध्याय में भी वर्णन किया है कि मन है क्या। मन भगवान ने कहा है कि भाई ये मेरी बहिरंगा शक्ति है, भूमि रापो अनल वायु खम मनः बुद्धिरेव च। ये मतलब 8 शक्तियां जो भगवान गिनाते हैं उसमें कहते हैं कि ये मेरी अष्टदा, 8 प्रकार की बहिरंगा शक्ति है, और उसमें क्या है, बुद्धि मन और अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर बनाता है। तो मन हालांकि दिखता नहीं है ना, किसी को बोलो कि मन कहाँ पे भाई, तो कोई बोलेगा मस्तिष्क में मन है, कोई बोलेगा हृदय में मन है, कोई बोलेगा यहाँ है, लेकिन बिल्कुल ही सूक्ष्म, उसका दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव, मन का प्रभाव सर्वतः व्याप्त है, आप पूरे शरीर में व्याप्त है, और ऐसा कहें कि सारे संसार में मन का प्रभाव व्याप्त है। सारे संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के का जो भी प्रभाव दिखता है उसमें उसका जो जो पीछे जो उसका जो एनर्जी है, जो सोर्स है, जो शक्ति है, वो पीछे मन होता है। तो मन हालांकि दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव सब जगह है, और इसी मन को हमको कंट्रोल करना है। और मन का नेचर कैसा है, नॉर्मली जो मन का नेचर होता है वो अर्जुन बताते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण। सबसे बढ़िया जो श्लोक है मन को डिस्क्राइब करने का, उसका नेचर कैसा है, चंचल। मन बहुत ही चंचल है। चंचल का मतलब होता है कि अस्थिर है, एक जगह टिकता नहीं है मन, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, प्लान्स बनाते रहता है, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग महाराज जी कहते थे,
कि ये तीन चीजें मन का काम है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मन को कहते बहुत सक्रिय है, शरीर जब थक जाता है तो उसे आराम की आवश्यकता होती है, पर मन नहीं थकता है। आज मन ने 100 प्लान बनाए तो मन कभी नहीं बोलेगा अब मैं थक गया, अब मैं और प्लान नहीं बनाऊंगा। कंटिन्यूसली मन हमेशा सक्रिय रहता है, यही उसका स्वरूप है, उसका नॉर्मल, उसका नेचर है। तो चंचलम ही मन कृष्ण, बहुत ही चंचल है। और दूसरा क्या उसका, उसकी प्रकृति है प्रमाथी और बलवत दृढ़म। तीन चीजें यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि चंचल है मन पहला, प्रमाथी मतलब मन हमेशा विचलित कर देता है, पूरे पूरे शरीर को विचलित कर देता है, ऐसी अवस्था में लाके खड़ा कर देता है कि आपको लगता है कि ये क्या किया मैंने ना, कहां से कहां गिर गया, कौन से जगह पे आ गया, ये सब मन की वजह से, दुष्ट मन। तो और उसके बाद बलवत दृढ़, बहुत ही ज्यादा बलवत है, इतना बलवान है दिखता नहीं है, मैंने जैसे शुरू में करा सूक्ष्म है बहुत, इट इज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत ही बलवान है और दृढ़ भी है। दृढ़ का एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं कि जैसे कोई मोटा बरगद का वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है, कितना दृढ़ होता है, अपनी जगह पे टिका रहता है, उसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। मन भी वैसा ही है, जो सोच लेता है, ठान लेता है, वो करके ही छोड़ता है। इसीलिए और खाली वृक्ष की तरह क्या मन एक जगह दृढ़ ही नहीं रहता है, वो बलवान भी है, बहुत बलपूर्वक वेग से वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, हमारी इंद्रियों के माध्यम से। तो कभी देखेंगे व्यक्ति मन में कुछ आ गया, उससे फिर उसको कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ या काम की भावना उत्पन्न हुई, ये सब के पीछे मन रहता है। और मन ही फिर क्या है, सारे इंद्रियों को डायरेक्ट करता है, उसको निर्देशित करता है। सारे के सारे इंद्रियों को निर्देशन करने का काम भी मन का है। अपने आप इंद्रियां कुछ आप डिसीजन नहीं ले सकती है कि हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। जैसे आप कोई भोजन करते हैं, अगर वो भोजन अच्छा नहीं है तो क्या है, नाक का काम है उसको सूंघ के बता देना कि भाई ये भोजन अब खराब हो चुका है। लेकिन अब उसको डिसाइड करना कि भाई ये भोजन खराब है, इसको नहीं खाना है, ये पीछे मन डिसाइड करेगा, मन डायरेक्ट करेगा कि नो अब ये खराब है, इसको फेंक दो, इसको मत खाओ। दूसरी तरफ अगर इंद्रियों ने क्या है, उसको जो भी जैसे जीवा है या नाक है, उसको सिग्नल दे देता पीछे, माइंड को सिग्नल देता, फिर माइंड उसको डायरेक्ट करता है, माइंड उसको निर्देशित करता है कि अब आप ये करो वो करो। तो मन क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, बहुत ही सूक्ष्म है। उसके बाद मन बहुत ही चंचल है, मन हमेशा सक्रिय रहता है, और मन बलवत है और दृढ़ है। इस तरह से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। ऐसे मन को निग्रह करना, कंट्रोल करना मेरे वश का तो लगता नहीं है। और कितना कितना टफ है, कितना मुश्किल है, कितना दुष्कर है, बोलते हैं वायु रेवासी दुष्कर, कि वायु को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है मन को वश में करना। ये अर्जुन जी का सवाल है। अर्जुन जी मतलब इतने बड़े भक्त हैं, भगवान के हमेशा साथ में रहते हैं, पार्षद हैं उनके, और हर तरह से मतलब निपुण है, भक्ति में कर्मठ है, फिर भी वो इस तरह से बता रहे हैं। तो जरूर ये मन जो है, इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल। तो उसमें फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि मन क्या है, इसको निग्रह करना, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि असंशय, बिल्कुल सही बोला अर्जुन तुमने कि मन को निग्रह करना, उसको कंट्रोल करना बहुत टफ है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते हो। और भगवान ने यह भी बोला कि इसको करना ही पड़ेगा, जब तक आप अपने मन को वश में नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मन को इस तरह नहीं ट्रेन करेंगे कि वो बुद्धि की सुने, अपनी बुद्धि इंटेलिजेंस के हिसाब से वो काम करे, तब तक हम इसमें भक्ति योग में या कोई भी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान ने यहाँ समझाया है कि इसको करना है, कैसे करना है, अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से।
अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ये किया जा सकता है। और फिर भगवान कहते हैं कि अगर इसको नहीं कर पाए ना, जिसका मन असंयात्मना योग हो, जिसका मन असंयमित है, संयम में नहीं है, कंट्रोल नहीं हुआ है, दुष्प्रापयति मे मति, मेरा मत यह है कि वो इस योग में अगर लगा हुआ है तो दुष्प्राप्त, उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। किस चीज को? योग। योग का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, मतलब भगवान को प्राप्त करना, या अपने आप को जो ओरिजिनल हमारा जो स्वरूप है, स्वरूप सिद्ध को प्राप्त करना, वो दुष्प्राप्त प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इति मे मति, ये भगवान का मत है। इसीलिए कहते हैं वश्य आत्मना तु यतता, और किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। तो कृष्णा ने यहाँ हमको बता दिया, भगवान ने बता दिया कि जब तक हम मन को वश में नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति योग में क्या सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्ति योग में जो चरम सीमा है भगवान की प्रेम भक्ति, उसको पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमको इस सब्जेक्ट को मन के जो गुण है, इसके मन के जो अलग अलग इसके जो नेचर है, उसको समझना अति आवश्यक है। तो इसको समझने के लिए हम श्रीमद् भागवतम का सहयोग लेंगे। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है कि किस तरह से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। सातवें अध्याय में, ये भगवत गीता के सातवें अध्याय में पहले ही श्लोक में जिन जिन श्लोकों का वर्णन भागवतम से हुआ है, भागवतम के श्लोकों का वर्णन हुआ है, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से हम मन को वश में कर सकते हैं। तो हम खाली एक ही श्लोक उसमें डिस्कस करेंगे, वो श्लोक नंबर है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय से श्लोक नंबर 17वें श्लोक में समझाया गया है कि किस तरह से अगर हम भक्ति योग का पालन करते हैं और भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करते हैं तो मन को क्या है वश में कर सकते हैं। श्लोक है, श्रण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो हि अभद्राणी विधु नोति सुहृत सताम। श्रण्वताम स्वकथा कृष्ण, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि किस तरह से मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, तो उसके लिए भगवान ने बोला है कि अभ्यास करना है। किस चीज का अभ्यास करना है? हमें भगवान की कथा सुनने का अभ्यास करना है, भगवान का कीर्तन करने का अभ्यास करना है। और वो क्या होता है, उसको करने से जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य श्रवण मतलब वो अपने आप में ही वो कार्य क्या है, पुण्य कार्य है। और पुण्य कार्य करने से क्या होता है, जो भगवान श्रवण मतलब अपने नाम के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से हमारे हृदय में आके हमारे मन को शुद्ध करते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होता है तब फिर हमारा मन अपने आप कंट्रोल में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, कि भगवान कृष्ण और कृष्ण की कथा या कृष्ण का नाम रूप लीला गुण इत्यादि, वो भगवान से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, एक ही है दोनों। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान का श्रवण या कीर्तन किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है। कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम, भगवान अपने और अपने नाम में कोई अंतर नहीं है, उतनी ही शक्ति के साथ भगवान वहां उपस्थित होते हैं अपने नाम में, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्टता घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को एक ही शक्ति प्रदान की है। जितने भी भगवान के नाम है, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, कृष्ण, राम इत्यादि, उन सब शक्तियों में भगवान ने अपनी पर्सनल एनर्जी इन्वेस्ट की हुई है, अपनी निहित शक्तियां।
इसलिए कोई भी व्यक्ति उन भगवान के नाम का फायदा उठा सकता है उनका, तो कैसे। लेकिन इसमें करना क्या है, कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान पूर्वक है और आदर पूर्वक है। यहीं पे हम लोग मिस कर जाते हैं कि कई बार कई कई वर्षों से जप करते रहते हैं, फिर भी क्या है कि उसका जो जो रिजल्ट जितना आना चाहिए उतना आ नहीं पाता है। और कोई कोई भक्त लोगों को देखते हैं कि थोड़े ही टाइम में फटाफट प्रोग्रेस करते हैं और अपने मतलब सारी जो उनके जो बैड हैबिट्स हैं उससे छूट जाते हैं और भगवान के सेवा में उनका पूरी तरह से मन लगने लगता है। और तो और उनको और कोई चीज भाती नहीं है, टोटल खाली उनको कृष्ण के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। तो ऐसे कुछ बिरले भक्त हैं क्योंकि उन्होंने मन को जल्दी कंट्रोल में कर लिया है, ध्यान पूर्वक उन्होंने भगवान की भक्ति की है। तो भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने में रुचि प्राप्त नहीं होती है। प्रॉब्लम वही है कि रुचि उत्पन्न नहीं होती है। तो भाई भगवान की कथा चल रही है तो लोग सुनते हैं, फिर सुनते हैं, फिर सुनते हैं, लेकिन उसमें क्या है, ध्यान नहीं लगाते हैं तो रुचि नहीं उत्पन्न होती है। अब किसी चीज में हमारी रुचि कैसे उत्पन्न होगी प्रभु जी? रुचि उत्पन्न होने के लिए हमारा कुछ उसमें संबंध होना चाहिए। जब हमारा संबंध होगा तभी उस चीज से रुचि उत्पन्न होगी, अन्यथा रुचि उत्पन्न नहीं होगी। हम किसी की कथा कर रहे हैं, अगर वो मेरे से उसका कोई संबंध नहीं है तो भाई मैं क्यों सुनूं उसको। लेकिन भगवान की कथा से क्या है, हमारा संबंध है, हमारा भगवान से संबंध है। तो जब हम इस हिसाब से कथा सुनते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं या भगवान की इतने जो भी उनकी जो महिमा है उनके उनके गुणों का जो वर्णन सुनते हैं तो उससे अपने आप को रिलेट करना है प्रभु। तो जब हम वो रिलेट करना शुरू करते हैं तब फिर उसमें रुचि आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई खबर सुनते हैं कि भाई उसका बैंक अकाउंट हैक हो गया है, तो हम लोग उस खबर को सुन के उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि भाई जो बैंक अकाउंट हैक हुआ है वो आपका अकाउंट हैक हो गया, तो फिर है ना हमारा एकदम रुचि उसमें बढ़ जाएगा। हाँ मेरा अकाउंट कैसे हैक हो गया, इमिडिएटली फिर हम पूरी खबर को पढ़ेंगे, चेक करेंगे इन एंड आउट, बिकॉज ये फिर क्या है, उससे हमारा संबंध हो गया, संबंधित भाई मेरा अकाउंट है। तो इसी तरह से जब हम उससे संबंध स्थापित करते हैं तो फिर अपने आप को उस भक्त की जगह रख के देखते हैं और फिर भगवान की करुणा का वर्णन सुनते हैं, तब फिर क्या है हमको उसमें ज्यादा रुचि उत्पन्न होगी। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण और कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इससे भगवान का शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो रुचि उत्पन्न करने का जो जो रहस्य है या जो फॉर्मूला है वो क्या है कि किसी ऐसे भक्त की कृपा प्राप्त करें, ऐसे भक्त का संग करें, ऐसे भक्त की सेवा करें जिससे जिसने उस अवस्था को प्राप्त की हुई है। डेफिनेटली कृष्णा कहते हैं कि अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर, कहते हैं कि आप ऐसे गुरु का सन्निधि प्राप्त कीजिए, तो वो क्या है, उन्होंने सत्य को देखा है, दर्शन किया है, तो वो तुम्हें जरूर आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। तो ऐसे भक्त का जब हमें संग मिलता है, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, तब क्या है हमें भगवान की सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। और भगवान का जो हम नाम लेते हैं, जैसे हरे कृष्णा अच्छे से चैंट करते हैं, जो भगवान का हम नाम लेते हैं या उनका अच्छे से चैंटिंग करते हैं, तो उसके पीछे भी प्रभु जी मन होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि चैंटिंग तो क्या है कि अभी आप एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर देंगे तो वो भी बहुत अच्छे से चैंटिंग करेगा टेप रिकॉर्डर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम,
लेकिन क्या वो टेप रिकॉर्डर, खाली टेप रिकॉर्डर की आवाज सुन के वो किसी को मोक्ष दिला सकता है क्या? नहीं दिला सकता है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर जस्ट खाली एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है। उसी तरह से हमारा भी खाली एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है, हमारी जीवा है, हमारा मुख है, हम सांस लेते हैं, बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इसके पीछे लेकिन मन बैठा हुआ है। जब तक हम उस मन को भगवान को ध्यान लगा के नहीं बोलेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको जोड़ना है प्रभु जी। इंद्रियों की जो जो क्रिया है, इंद्रियों की क्रिया को मन से जोड़ना है, मन को बुद्धि से जोड़ना है, और बुद्धि को अहंकार से होते हुए आत्मा को जोड़ना है, और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो ये जब तक ये लिंक पूरा नहीं होगा, तब तक फिर क्या है, हमारा चैंटिंग में या जप में जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। वहां कई जगह हम कट कर देते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, मन कहीं और चला गया। हरे कृष्णा कर रहे हैं जप, लेकिन ध्यान कोई दूसरी चीज पे चला गया, ध्यान हम विषय दूसरे विषयों पर चला जाता है, तो क्या है कि वहां से फिर भगवान हट जाते हैं। क्योंकि भगवान का संबंध मन का संबंध है, वो खाली कोरी इंद्रियों से संबंधित नहीं रखते हैं। भगवान का नाम जैसे भाव ग्रही जनार्दन, वो जो भाव उत्पन्न होते हैं, भाव मन उत्पन्न करता है, इंद्रियां उत्पन्न नहीं करती है। इसीलिए मन को लगाना है। जब तक हम मन को नहीं लगा पाएंगे, तब तक कोई भी सेवा प्रभु जी, कोई भी सेवा सार्थक नहीं होती है, पूरी सिद्ध सेवा नहीं हो पाती है। इसलिए मन को वहीं रखना है, जो चीज कर रहे हैं उसमें मन लगाओ। हम जब शुरू में भी हम लोग विद्यालय में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो बार बार टीचर ओके फोकस योर माइंड, ये ध्यान लगाओ, क्या कर रहे हो, इधर देखो, ऐसे करो। सो यही निर्देश मिलता है कि प्रभुपाद जी भी कहते थे ओके व्हाट यू आर डूइंग, सिट एंड चैंट, चैंट प्रॉपरली, चैंट एंड बी हैप्पी। बार बार ये सारे निर्देश जो हैं हमारे गुरु जी के या हमारे आचार्यों के, वो यही है कि हमारा मन उसमें लगाना है। तो इसमें जो बात आई है कि भगवान क्या है, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान सुनते हैं उसको, भगवान सुनने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, आतुर रहते हैं। कि जब वे देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में पूर्ण निष्ठा से तत्पर है, तो फल स्वरूप उनके विषयों में सुनने के इच्छुक होते हैं, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह का कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाता है। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास जाएं। जितने उत्सुक हम हैं प्रभु जी, भक्त होता है उससे कई 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 गुना, हजारों गुना ज्यादा भगवान करुणामय होते हैं। उनकी इच्छा होती है कि ये भक्त मेरे पास जल्दी से आ जाए, किंतु हम में से अधिकांश वापस जाना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम यहाँ पे कि आज मन लग गया, फिर कल नहीं लगा, फिर परसों थोड़ा लगाया कहीं से सुना, फिर दो दिन के बाद फिर कहीं और, तो स्विच ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। तो कंटिन्यू, इसमें कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। किस तरह की हमें हमें भक्ति करनी है, किस तरह से हमें वश में, मन को परमानेंट वश में करने का जो प्रोसीजर कृष्णा ने बताया है, वो बताया है भगवान ने श्लोका नंबर 6 अध्याय में 24 श्लोक से, कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ, ये दो चीज बहुत जरूरी है, कि संकल्प लेना है कि हाँ मुझे करना ही करना है, और हमें श्रद्धा रहनी चाहिए इस प्रोसेस में, इस विधि में, कि अगर मैं ये करूंगा तो जरूर से जरूर मैं सफल होऊंगा। तो भगवान का ध्यान कैसे करना है, इस तरह इस श्लोक में बताया गया है। योगाभ्यास करने वालों को दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज किया फिर कल नहीं किया, फिर परसों किया, आगे दिन छोड़ दिया। उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करना है, अंत में उसकी सफलता निश्चित है। ये प्रभुपाद जी की वाणी है, प्रभुपाद जी अपने इसमें तात्पर्य में कह रहे हैं कि अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए
और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो, कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि वी बिकम होपलेस, बहुत विलंब होता है, हमेशा परेशानी आने लगती है, फिर कभी कभी मन क्या ट्रिक करता है हमको बार बार, तो इसकी वजह से हो रहा है, तो लगा हुआ है जब से माया तेरे पे और हावी पड़ गई है, छोड़ इसको। यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो भी निरुत्साहित हमें नहीं होना चाहिए, ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। पहले शब्द, पहले वाक्य में प्रभुपाद जी ने कहा निश्चित है, और दूसरे वाक्य में कहा सुनिश्चित है, 100% गारंटी। और फिर उन्होंने एक श्लोक कोट किया है उपदेशामृत से, कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतव्रते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धयति। सो उत्साह, निश्चय और धैर्य, इन तीन चीजों के साथ, इन तीन चीजों के साथ हमको इसमें भक्ति में कर टोटल लगे रहना चाहिए। अब इसमें उत्साह कितना होना चाहिए या निश्चय कितना होना चाहिए, इसके लिए एक छोटी सी कथा आती है पुराणों में, तो कैसा निश्चय हमारा होना चाहिए और निश्चय को देख के फिर भगवान कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो आप लोगों ने कथा शायद सुना हुआ होगा बहुत सारे लोगों ने, फिर भी इसको फिर से इसको दोहराते हैं कि ऐसा हुआ था कि एक चिड़िया थी, गोरैया चिड़िया, वो अपने सिंधु तट पे सागर के किनारे कुछ अंडे देती है अपने, और फिर वो कहीं चली जाती है। फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके अंडे समुद्र में समा गए, मतलब सिंधुराज अपने कोने में आए और अंडों को लेके चले गए। फिर चिड़िया आती है वापस और सिंधुराज से विनती करती है कि हे सिंधुराज, आपने मेरे अंडे लिए हैं, कृपया करके उन्हें वापस दे दीजिए। सिंधुराज, हु इज दिस, कौन है चिड़िया, ध्यान भी नहीं देते। दोबारा दोबारा प्रयत्न करती है कि उनसे प्रार्थना करती है कि कृपया करके मेरे अंडे लौटा दीजिए, तो वो ध्यान भी नहीं देते। फिर वो प्रण करती है, कहती है कि अगर आपने मेरे अंडे नहीं लौटाए तो मैं आपके सारे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। इतना बड़ा उन्होंने मतलब निश्चय कर लिया। फिर भी उन पे ध्यान नहीं देते। फिर लेकिन छोटी चिड़िया क्या करती है, अपने छोटे से चोंच में पानी लेती है, फिर दूसरे जगह एक ड्रॉप डालती है, फिर लेती है, फिर ड्रॉप। भाई पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। वो अगर हजारों वर्ष तक भी ऐसा करते रहेगी तो भी सागर का पानी थोड़ी सुखा सकती है। लेकिन उसका ये प्रयत्न देख के, भगवान हमारी प्रयत्न ही तो देखते हैं, उनका ये प्रयत्न देख के उनका जो पक्षीराज है गरुड़, उनको उन पे दया आ गई कि भाई देखो इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो स्वयं गरुड़ जी वहां पे आ गए, सिंधुराज से बोले कि भाई जल्दी से इनका अंडा वापस करो, नहीं तो अभी मैं तुम्हारे सारे सागर को सुखा दूंगा। जैसे ही सिंधुराज ने देखा कि भाई तो गरुड़ महाराज आ गए, तुरंत उनको वहां प्रकट होना पड़ा। गरुड़ जी कितने शक्तिशाली हैं इसका आइडिया हमको बड़ी मुश्किल से मिल पाता। ही इज वेरी वेरी पावरफुल। तो स्वयं भगवान परमेश्वर, भगवान विष्णु को अपने कंधों पे लेके उड़ते हैं वो, कितना उनमें बल है। इनका व्याख्यान अमृत उत् महोत्सव में किया गया, श्रीमद् भागवतम में, वहां पे बताया गया था कि देवताओं और दानवों में भगवान कहते हैं आप आपस में आप लोग संधि करो और मिलके मंदर पर्वत को लेके आओ श्वेत द्वीप में और इसका चर्निंग करो। तो जब आप चर्निंग करेंगे तब इसमें से जो अमृत उत्पन्न होगा वो अमृत मैं देवताओं को आप लोगों को दे दूंगा, इस तरह से आप परमानेंटली असुरों पे बलवान रहेंगे। ठीक है जी। फिर देवता लोग गए, दानव लोग भी गए, सारे असुर लोग मिलके बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे थे उसको, मंदरा पर्वत को, मंदरांचल पर्वत। तो उठा के कैसे भी करके थोड़ी दूर लाए, लाते 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 उन्होंने पर्वत को ही गिरा दिया बीच में। सारे देवता, 33 करोड़ देवता थे, उनसे भी ज्यादा नंबर में असुर लोग थे, फिर भी वो मंदराचल पर्वत इतना भारी था, इतना हैवी था, गिर गया। उनके गिरते ही कितने देवता लोग तो मंदराचल पर्वत के नीचे दब दुब के आधे लोग मर गए, किनके अंग भंग हो गए, और असुरों का भी वही हाल हो गया। दोबारा से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई वो पहाड़ को, इतने भारी पहाड़ को फिर से उठाया जाए और श्वेत द्वीप में लेके जाया जाए। लेकिन भगवान कृष्णा बड़े ही दयालु हैं, वो अपने भक्तों को या
किसी को कुछ कहते हैं तो वह इंश्योर करते हैं, वो शक्ति देते हैं, और जहां जहां भक्त गिरता है या कुछ नो हताश होता है वहां पे भगवान उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। वहां पे फिर भगवान तुरंत आए गरुड़ जी के ऊपर बैठ के, और उन्होंने स्वयं अपने बाएं हाथ से उठा के मंदराचल पर्वत को गरुड़ जी के ऊपर रख दिया। स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर बैठ गए, सारे देवताओं लोग उनके एक पंख के ऊपर बैठे और दूसरे पंख के ऊपर सारे असुर लोग बैठे, सबको लेके उड़ते हुए चले गरुड़ महाराज और सीधे श्वेत द्वीप पे पहुंच गए। तो सी द पावर ऑफ गरुड़, आई नो वेरी वेरी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही गरुड़ जी वहां पे आए, सिंधु राज एकदम थरथराते हुए बाह, हाँ जी भाई इसके अंडे वापस करो, उन्होंने जरूर, फिर उन्होंने चिड़िया के अंडे वापस कर दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम भक्ति में निश्चय लेते हैं, उत्साह के साथ निश्चय लेते हैं और धैर्य रखते हैं कि भाई जरूर ये होगा, इस काम में मुझे जरूर सफलता मिलेगी, तब उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। इसी प्रकार विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है। शुरू शुरू में बहुत टफ लगता है कई बार, भाई फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नो शिखा रखना है, बहुत सारा काम है मंदिर में, 24 आवर्स सांसारिक चीजों से दूर, और होते होते इस लेवल पे आना है कि हमें कोई भी सांसारिक वस्तु से जरा सा भी कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इट्स नॉट ईजी संसार में रहते हुए, लेकिन क्या किंतु कोई जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है तो भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उसकी सहायता करते हैं। Those who help themselves, God help those who help themselves, ये कहावत है। तो इस तरह से हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, उसमें उत्साह के साथ, उसमें पूरी निश्चय रख के और पूरा धैर्य रख के, और तत्त्व कर्म प्रवर्तनात्, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे जैसे हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव आचार्यों ने, वरिष्ठ वैष्णव अधिकारियों ने हमको जैसे जैसे रास्ता दिखाया है, उस रास्ते उसी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम करेंगे तो जरूर हम उस पथ पे अग्रसर होके हम जरूर अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। और फिर यहाँ पे कृष्णा कहते हैं कि मन का जो जो नेचर, एक और मैंने बताया था कि बहुत ही सक्रिय है, कि उसको कंट्रोल करना, थोड़ी देर कंट्रोल होता है फिर भाग जाता है, फिर भाग जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यतो निश्चलती, जहां जहां जिधर भी भागे वो ना, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां जहां और जिधर जिधर भी भागो, यतो निश्चलती मनश्चलम अस्थिरम, कि मन को फिर पकड़ के लाओ, ततो नियम्यते आत्मन्येव वशम नयेत, कहीं भी विचरण करता हो मनुष्य को चाहिए कि वहां से उसे खींचे और वापस अपने वश में करे। अपने वश में करने का मतलब है कि उसका ध्यान फिर से कृष्ण की तरफ लगाए। जब वो कृष्ण की तरफ फिर से ध्यान लगाएगा, ऑटोमेटिकली कृष्ण क्या है, ऋषिकेश है। ऋषिकेश मतलब हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, और भगवान ने बोला है भगवद गीता में, इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो वो जब मन को कंट्रोल करना है तो भगवान के चरणों में खींच के वापस लाना होगा। तो इस तरह से हम क्या है कि मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और और दूसरी बात है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो दूसरे विधि है मन को कंट्रोल करने की, जो दूसरे जैसे ज्ञान योग, कर्म योग और इवन ध्यान योग, वो सब विधि क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड, उसको फॉलो करने से बहुत कठिन दुष्कर है वो रास्ता। उस रास्ते पे चलते चलते मन को कंट्रोल करना थोड़ा दुष्कर है। तो हमको क्या है कि डायरेक्ट प्रोसीजर लगाना है। कलयुग में क्या है, इट्स नॉट पॉसिबल। कलयुग में यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वहां पे जब अर्जुन अपने समय में द्वापर युग में ये बोल रहे हैं कि तस्याहम निग्रह मन्ये वायु रिवत सु दुष्करम, कि इसको निग्रह करना, कंट्रोल करना बहुत टफ है। तो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग के अंदर तो साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है उसको फॉलो करना दूसरे योग की पद्धति से, लेकिन कृष्ण भावनामृत में अगर हम रहें, कृष्ण भावनामृत के अंदर भावित जो
जो हमारी चेतना है उसको कृष्ण भावना भावित करें और उसके जो जो नियम है उन नियमों का, साधारण नियमों का पालन करते हुए आसानी से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? भगवान ने कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, बाकी योग पद्धति में क्या है, बाध्य करते हैं भाई योग पद्धति में, कि जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसका करना है, यम नियम करना है, डोंट डू दिस डू दिस डू डोंट डू दैट, बहुत सारे यम नियम रहते हैं। वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः ही विरक्त हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी भावना रहती है वो अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाता है। किससे? भगवत रसास्वादन से, भगवान की सेवा करने से जो हमें फल प्राप्त होता है, भगवत रस, रस का जो अनुभव होता है, उस अनुभव को, वो अनुभव इतना ही, इतना मीठा होता है और इतना बढ़िया होता है कि व्यक्ति क्या है, जो जो तुच्छ चीजें हैं, तुच्छ स्वाद है, उसको भूल जाता है स्वतः ही, अपने आप ही, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यही यही चीज, भक्तों को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता है। जिसने भक्ति का रस चखा है वो ही समझ सकता है कि भाई है क्या। बाकी नॉन डिवोटीज को नॉर्मली एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है जब तक स्वयं उसको चखेंगे नहीं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे कि जारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश, कि जहां भी जाते थे, जिधर भी जाते थे, नगर नगर, गांव गांव, कहीं भी, वो भक्ति के रस का जो फल है वो सबको डायरेक्टली देते रहते थे, चाहे वो उसका उसका वो लायक हो चाहे उसके लायक ना। कैंडिडेट नहीं देखते थे कि ये फिट है कि नहीं है फिट, इतना देखने का टाइम नहीं था चैतन्य महाप्रभु के पास। बड़े ही उनका कृपा अवतार है भगवान का, उन्होंने भक्ति रस को क्या है सभी को इतने आराम से दिया है। तो इस तरह से हम लोग जब भक्ति में आएंगे, भगवान की कृष्ण भावना अमृत से जुड़कर इस भक्ति में आएंगे, तो मन को हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और अन्यथा मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ है। फिर क्या होता है कि एक जगह और भगवान ने कहा है कि मन को कंट्रोल करने में क्या थोड़ा टाइम लगता है। बोलते हैं कि शनैर शनैर, धीरे धीरे, स्टार्टिंग में प्रभु जी मन एकदम अनकंट्रोल्ड माइंड बिल्कुल नहीं होगा कंट्रोल में, उसको एकदम से कह दो। लेकिन भक्ति में धीरे धीरे, पहले आप प्रोग्राम अटेंड करो, धीरे से उसको लेके आओ, फिर वो देखेगा डेटी वर्शिप इतना सुंदर, अर्च विग्रहों को दर्शन करेंगे, फिर वहाँ प्रसाद वगैरह लेंगे, वहाँ का जो जो वैकुंठ एटमोसफेयर होता है, स्वयं स्फूर्ति प्रभु हम लोगों को कहते हैं कि जिस जिस वातावरण में जो कृष्ण भक्त रहते हैं वो वैकुंठ एटमोसफेयर है, वो इस दुनिया में, इस संसार के वातावरण में नहीं रहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे घर में अर्च विग्रह होते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करने की मौका मिलता है, उसके बाद भगवान का प्रसाद खाने को मिलता है, और भगवान के जितने भी फेस्टिवल्स हैं सबको मनाने के लिए हर्षोल्लास के साथ ये सब महोत्सव हम लोग मनाते हैं, तो हर समय उल्लास का ही का माहौल होता है। तो ये क्या है, बाकी सब दुनिया से, जैसे राजकोट का जैसे एग्जांपल है, तो बाकी राजकोट में क्या हो रहा है वहाँ और मंदिर में क्या हो रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। मंदिर के एटमॉस्फेयर में ये साक्षात वैकुंठ का एटमॉस्फेयर है, सब लोग खुश, सब लोग प्रसन्नचित, एकदम सवेरे उठ के सतो गुण के समय में हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, फिर प्रसाद खाने को मिल रहा है, इतने तरह तरह के पकवान मिलते हैं, उसके बाद हर तरह की सुविधा मिलती है, और बदले में कुछ नहीं करना है, बस भगवान का नाम लेना, थोड़ी बहुत सेवा करनी है, सारा अरेंजमेंट कृष्णा खुद करते हैं। जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि भक्ति योग के अंदर जब देखते हैं भगवान कि ये व्यक्ति सीरियसली अटेम्प्ट कर रहा है, तो भगवान उसकी खुद मदद करने के लिए आ जाते हैं।
तो जब सब दुनिया को देखते हैं भगवान, सब लोगों को देखते हैं, तो क्या भक्त की मदद नहीं करेंगे? भक्त की जो चीज, जो उसकी जो जरूरतें हैं, उसको क्या पूरी नहीं करेंगे? तो इसलिए जो प्रोसीजर है यहाँ पे कृष्णा कह रहे कि धीरे धीरे शनैर 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 उपरमेत बुद्ध्या धृति ग्रहित्या आत्म संस्थम मनः कृत्वा न कंचित अपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए, और इस प्रकार मन को किसमें, आत्मा में स्थित करना चाहिए। अभी जो सीधा डायरेक्शन चलता है ना प्रभु जी, मन क्या है, इंद्रियों की सुनता है और इंद्रिया इंद्रिय भोग की सुनते हैं। तो इंद्रिया इंद्रिय भोग की तरफ दौड़ रहे हैं और इंद्रियों के पीछे मन भाग रहा है, इसलिए मन हमेशा विचलित रहता है, इसलिए परेशान रहता है। तो मतलब, लेकिन इसका डायरेक्शन हमको चेंज करना है, 180 डिग्री ऑपोजिट। इंद्रियों के पीछे मन को नहीं भगाना है, मन को बुद्धि की तरफ ले जाइए, और बुद्धि फिर आत्मा की तरफ जाएगी। और जब आत्मा अंदर से संतुष्ट होती है तो मन फिर विचलित नहीं रहता है, शांत हो जाता है और आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये चीज हमको प्रभुपाद जी इसलिए हमेशा बताते थे कि वी हैव टू टर्न बैक, और महाराज जी कहते थे कि वी हैव टू क्लोज ऑल अवर मटेरियल अकाउंट्स एंड फोकस ऑन स्पिरिचुअल अकाउंट। हमको जितने भी सांसारिक हमने चीजें खोल रखी है ना, इधर अकाउंट है, उधर अकाउंट है, पता नहीं कितने जगह अकाउंट है, उन सारे अकाउंट्स को क्या करना है, बंद करना है। और कौन से अकाउंट की तरफ फोकस करना है, स्पिरिचुअल अकाउंट की तरफ, आत्मा की तरफ, भगवान की तरफ। तो जब हम ये करेंगे, इसके लिए क्या है, एकदम सडन 180 डिग्री टर्न बैक करना है। प्रभुपाद जी ने यही सोच के अपने जो मैगजीन है उसका नाम रखा है, क्या है, बैक टू गॉड है। इनफ इस दिशा में मन इंद्रियों के पीछे, इंद्रिय इंद्रिय भोग के पीछे, इंद्रिय विषय वस्तु के पीछे भागते भागते इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। अथाह है भगवान का जो जो क्रिएशन है, अनलिमिटेड है। कितना नीचे गिराएगा, वी कांट इवन एस्टिमेट, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए न पतित, जल्दी से जल्दी इस चीज को समझ जाना है और समझ के अपनी दिशा को बदलना है। फिर एक और है, लास्ट में जो एक क्वेश्चन था कि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, ओके छोड़ो मन इतना डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, तो क्या होगा? मन के लिए भगवान ने कहा है कि मन हमारा दोस्त भी है और हमारा शत्रु भी है। हमारा मन ही एक ऐसा चीज है जो सबसे सबसे बढ़िया दोस्त है, और मन हमारा सबसे घातक शत्रु है। तो अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, हम लगातार अपने सबसे भीषण शत्रु के साथ रह रहे होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपका जो सबसे डेंजरस एनिमी है, सबसे भयंकर भीषण शत्रु है, आप उसके बगल में सोए हुए हैं, आप उसके बिल्कुल पास में। मौका मिलते ही शत्रु क्या करता है, शत्रु हम पे वार करता है, और वार करके क्या करेगा, हमारा पतन कराएगा और हमारा क्या है, टोटल हमारा जो अस्तित्व है उसको मिटा देगा। इसीलिए हमको उस शत्रु से बहुत ही सावधान रहना है, शत्रु से बहुत सावधान रहना है। और भगवान ने जब बोला है कि ये मन हमारा मित्र भी बन सकता है, कैसे, कंट्रोल्ड माइंड, जब मन वश में हो गया तो ये वश क्या है, आपका सबसे अच्छा मित्र है। ये फिर आपको बुरे काम करने से रोकेगा, ये आपको भगवान की भक्ति को मैं आपकी हेल्प करेगा, कैसे हम भगवान की भक्ति में सिद्धि को प्राप्त करें ये हमको बताएगा और हमको हेल्प करेगा। हर जगह प्रभु जी कई बार एसोसिएशन नहीं मिलता है ना लोगों का, लेकिन हमको अपने माइंड का एसोसिएशन या माइंड का हेल्प तो हमेशा मिल सकता है। प्रभु ये कृष्णा ने क्या कहा है श्लोका में, श्लोका नंबर 5 में कहा है कि उद्धेर आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धेर आत्मन मतलब आप अपना उद्धार कीजिए, अपना उद्धार कीजिए मन को, मन की सहायता से। नात्मानम अवसादयेत, मन को क्या है कि ऐसे छोड़ देंगे तो क्या, अवसादयेत, वो आपको एकदम पतन करा देगा आपको। आत्मा ही आत्मनो बंधुर, मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है।
बंधुरात्मा मनस्तस्य येन आत्मना जितः, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि हम लगातार अपने भीषण शत्रु के साथ रहते हैं। और भगवान ने जब अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि भाई कृष्णा ये तो बहुत टफ है, तो अर्जुन को समझाते हैं कृष्णा कि भाई तुमको करना ही पड़ेगा, अभ्यास है ना तो कौनते ये वैराग्य। उसके बाद बताते हैं कि अगर तुमने नहीं किया, अगर तुमने मन को कंट्रोल नहीं किया, तो कहते हैं कि तुम साक्षात्कार में नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे, यू कांट अचीव दैट, तुम नहीं उसको प्राप्त कर सकते हो, इसलिए बी केयरफुल, इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो मन को कंट्रोल करने का यही सब विधि है। और हमको चाहिए कि इस जो जो भगवान ने हमको तरीके बताए हैं उनको अपने जीवन में उतारें, और इस तरह से क्या है मन को वश में करें, और फिर मन को वश में करके उसे अपना मित्र बनाएं, और उसके माध्यम से भक्ति में और आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण, कथा को मैं विराम दूंगा, अगर किन्हीं भक्तों के कुछ प्रश्न हैं तो कोशिश करेंगे कि उसको बताया जाए, उस पर चर्चा की जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर विवरण किया, विषय को लेकर आपने बहुत सहजता से विषय को आपने प्रस्तुत किया। हमारे भाविक प्रभु को आपके आपको प्रश्न पूछ रहे, भाविक प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा भाविक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हम जब ये सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, या कभी कोई हमको सीनियर भक्त बता देते हैं कि ऐसा करना है, मन को कंट्रोल में रखना है, तो दो तीन दिन तक हम अपने जो भी विकार है उससे दो तीन दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते तक वो विकारों से दूर रहते हैं, लेकिन जैसे वापस समय चला जाता है, भले हम रेगुलर भागवतम रीडिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो विकार वापस मन में आ ही जाते हैं जैसे समय चलता है, तो उससे कैसे बच पाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि मतलब जब हम अभी सुनते हैं या संग करते हैं किसी वरिष्ठ वैष्णव से, तो क्या है हम उन पापों से या उन मन को जीतने की अवस्था प्राप्त करने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय होता है वापस हम दोबारा उसी कंडीशन में वापस चले जाते हैं। और तो आप इसको ना प्रभु जी एक इसको एक रोग की तरह समझिए, रोग समझते हैं ना प्रभु जी, जितना रोग गहरा होता है हमको दवाई की मात्रा उतने ही दिन तक और उतनी तेजी से उसका डोज लेना पड़ता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि रोग जब ज्यादा खूंखार हो जाता है, जब जैसे कैंसर जैसा कोई रोग लग जाता है, तो स्टार्टिंग में क्या है उसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान है, लेकिन जब वो फैलने लगता है तो उसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट फिजिशियन चाहिए और एक्सपर्ट कंट्रोल चाहिए और उसकी पूरी गाइडेंस चाहिए। तो इसी तरह से हमको उनका संग लगातार लेते रहना चाहिए, इसको दवाई के समझ के। महाराज कहते थे कि द होल एटमोस्फेयर इज सरचार्ज्ड विद नो फेथलेसनेस, पूरा का पूरा समाज एकदम भगवान के भक्ति के विरुद्ध जा रहा है। तो इस फेथलेसनेस जो है, इसको जो भक्ति के विरोधक हैं, अवरोधक हैं, उनको हटाने के लिए हमको रोज रोज मेडिसिन लेना है, रोज रोज। हमारे जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज थे, कहते थे कि ए दुष्ट मना, तुम्हें किशर वैष्णव, कैसे वैष्णव हो तुम, आओ या प्रतिष्ठा खोजी, हर जगह तुम अपना प्रतिष्ठा खोजते हो ऐसे करके, और तुम्हारी प्रतिष्ठा कुछ एक शुकर के विष्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरह की बात भक्ति सिद्धांत महाराज का करते थे, को अपने मन को रोज कहते थे चप्पल निकाल के दो तीन चप्पल मारा करो अपने मन, जो भी इधर उधर जाते हैं। तो सो वी हैव टू पुल द माइंड हमेशा, अगर सब्जेक्ट से बाहर हो रहा है, प्रभुपाद जी ने हमको गाइडेंस किया हुआ है कि ये हमारा लाइन है, उस लाइन को क्रॉस कभी नहीं करना है, और फिर इस लाइन में जैसे जैसे डेली डेली हम करते हैं, क्षण क्षण हमको भक्ति में आगे बढ़ते जाना है। तो जितना आप प्राप्त बढ़ चुके हैं उस जगह से फिर नीचे मत जाइए, आप ही अपने मतलब अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप ही अपने आप को देख सकते हैं प्रभु जी, कोई दूसरा थोड़ी देखेगा। मन को समझाना है कि भाई ए मन, तुमको जाना कहाँ है, भगवान के धाम जाना है
या यमलोक जाना है, तो ये चीज को मन में पूरी तरह से ना गांठ बांध लेनी है कि वी हैव टू गो टू कृष्णा। और ये कुछ नहीं है, ये सब अवरोधक हैं ना, काम क्रोध मोह मद मत्सर, ये गेटवे टू हेल, प्रभुपाद जी ने कहा है, कृष्णा ने कहा है भगवद गीता में। तो इन सब चीजों से बचना ही बचना है, कोई उपाय नहीं है। एक बार हो गया, कुछ फॉल डाउन, कुछ गड़बड़ हुई, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, अगेन कम बैक टू हर। यहाँ भगवान ने कहा है ना कि जहां जहां मन भागता है उसको वापस खींच के लाओ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, वी हैव टू कम बैक। और फिर पूरे फोर्स के साथ आशीर्वाद लीजिए, गुरु महाराज जी का, प्रभुपाद जी का, भागवतम का सहयोग लीजिए, भगवद्गीता का सहयोग लीजिए, जरूर इसमें सफल होंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है कि ऐसे भक्त का क्या है, सफलता सुनिश्चित है। तो हमको प्रभुपाद जी के शब्दों में, उनकी वाणी में पूरा भरोसा होना चाहिए, 100%, और डेफिनेटली विल कम आउट, कैसे नहीं होगा प्रभु जी, जरूर भगवान हमारी हेल्प करेंगे। आई थिंक दिस इज द व्हाट आई कैन से। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इसको राजकोट मंदिर की तरफ से इस योगदान में आपने भाग लिया, और हम प्रयत्न करेंगे कि कम से कम 15 दिन के बाद हर एक अपने जो प्रचारक है उनका हम चालू रखेंगे, और 15 दिन के बाद आपको याद करेंगे, और आपकी सेवा हम लेते रहेंगे, और यहाँ पे हमारा जो ये प्रवचन का कार्यक्रम हम पूरा करते हैं। प्रभु जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों जो इसमें ज्वाइंट हुए हैं उनका सभी का धन्यवाद, और अगले ये आने वाले गुरुवार को जो प्रोग्राम है उसका हम कल आपको व्हाट्सएप द्वारा मैसेज दे देंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद वैष्णव सेवा प्रभु, सभी सभी भक्तों को प्रणाम, हरे कृष्ण।